मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आज है महालया। तो मेरे घर में भी महालया चल रहा है टीवी पे। सब लोग उठ चुके हैं, बच्चे दोनों और बाकी सारे लोग। किशन तो खैर रोज ही उठते हैं, उनको ऑफिस जाना रहता है, वो 5:30 बजे डेली ऑफिस जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ से उनका ऑफिस जो है थोड़ा सा डिस्टेंस है, 1 घंटा लगता है उनको जाने में, तो उस तरह से उनको उठना पड़ता है सुबह सुबह रोज। और मैं भी उठती हूँ और सुबह सुबह सारा काम कर लेती हूँ। तो झाड़ू पोछा वाला जो घर का काम है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है 5:30 तक, क्योंकि किशन नहा के पूजा करते हैं सुबह में। तो सब कुछ हो चुका है और अभी हम लोग महालया एंजॉय करेंगे। महालया 5 बजे ही शुरू हो जाता है। तो टीवी मेरा चल रहा है, दोनों बच्चे बैठे हुए हैं और किशन ऑफिस के लिए रेडी हो चुके हैं। और आज विश्वकर्मा पूजा है तो किशन जल्दी आ जाएंगे ऑफिस से, और उसके बाद फिर हम लोग पूजा करेंगे विश्वकर्मा भगवान की। तरह से शुरू हो रहा है मेरा आज का दिन, और किशन जाएंगे ऑफिस के बाद मैं गाड़ी वगैरह क्लीन करूंगी मैं और रोहित मिलकर, क्योंकि किशन सुबह 5 बजे 5:30 बजे जाते हैं ऑफिस, तो उनको टाइम नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं बाहर अंधेरा ही है अभी तक। तो इस तरह से शुरू हो रहा है। तो चलिए मैं भी दिखाती हूँ कि बच्चे उठ के क्या कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं दोनों बच्चे उठ गए हैं और महालया भी शुरू हो गया है, क्योंकि 5 बजे ही महालया शुरू हो जाता है, तो हर साल हम लोग देखते हैं। और माँ भी उठ गई हैं और थोड़ा थोड़ा बाहर उजाला होने लगा है। किशन निकलेंगे अभी ऑफिस के लिए, तो मैं आपको बाहर गार्डन दिखाती हूँ कि किस तरह से उजाला हो रहा है। थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ है और ये देखिए एकदम ब्लू ब्लू सा लाइट है बाहर। और किशन ने यहाँ तुलसी जी पे पूजा किया है तो दिया जल रहा है, और बाहर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ है, सुबह हो रहा है और किशन निकल रहे हैं ऑफिस के लिए अभी। और किशन आ चुके हैं ऑफिस से और हम सब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और आप देख सकते हैं बारिश स्टार्ट हो गई है, पता नहीं क्यों धूप भी है और बारिश भी हो रही है। तो किशन और रोहित ने पहना है धोती और करेंगे सबको मिलके पूजा। तो अभी पूजा की तैयारी किशन ने कर ली है सारी, और अभी हम सब वहाँ पे जाएंगे
और पूरा गार्डन गीला गीला हो गया है बारिश की वजह से।
और पूजा ख़त्म हो गई है और अभी हम सब हैं किचन में, मतलब मैं और रिया, और बना रहे हैं लंच, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, 11 बज के पार हो चुका है। तो लंच ही बन रहा है हमारा, और रिया बना रही है छोले और मैं उधर पुलाव चढ़ा रही हूँ। मैं पनीर पुलाव बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने अभी तक नहीं डाली आप मेरे चैनल पे। अगर आपको पनीर पुलाव की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो रिया मेरी हेल्प कर रही है, वो छोले बना रही है। और क्या बनाऊंगी अभी कुछ खास सोचा नहीं है, बट देखती हूँ खीर वगैरह बनाऊंगी। तो वही हम सब लगे हुए हैं किचन में, मैं और रिया, और काफ़ी लेट हो गया है तो हम लोगों ने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, जस्ट सब लोगों ने प्रसाद खाया है और एक ही बार लंच ही बना रही हूँ। और मौसम आप देख ही रहे हैं, थोड़ा सा मौसम आज ख़राब है, कभी धूप हो रही है कभी बारिश स्टार्ट हो जा रही है, तो इसी तरह से हो रहा है आज का मौसम। और लंच प्रिपेयर होते ही मैंने फटाफट लंच लगा दिया है और सब लोग लंच करने बैठ गए हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था और सबको भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह में भी कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किए थे हम लोगों ने, एक्चुअली प्रसाद खाया था और उसके बाद फिर लंच बनाने में लग गई थी। तो इस तरह से सब लोग बैठ गए हैं लंच करने, और माँ बाहर वाले रूम में टीवी देख देख के लंच कर रही हैं। तो यहाँ पे माँ लंच कर रही हैं, और ये है आज हमारा लंच, पनीर पुलाव, खीर, छोले, और ये है दाल भरा पूड़ी। दाल भरा पूड़ी ऑथेंटिक बिहारी डिश है, बिहार में बहुत सारी शादियों में या फिर इस तरह से कुछ रस्म वगैरह में ये दाल भरा पूड़ी और खीर की रेसिपी बनाई जाती है। तो इसमें चना दाल भरा जाता है। तो इस तरह से बनाया है मैंने आज का लंच, और अभी मैं लंच कर रही हूँ। और ये है प्रसाद जो कि मेरे मामा जी लेकर आए हैं। मामा जी मेरे हर साल विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रसाद पहुंचाने आते हैं, और ये 2 डिब्बे एक रिया के लिए और एक रोहित के लिए देकर जाते हैं। तो इस साल भी आए थे और ये प्रसाद देकर गए हैं, वो मेरे मामा जी प्लांट में जॉब करते हैं तो वो आए थे। और अभी हो रही है शाम, और मैंने शाम की पूजा कर ली है, और विश्वकर्मा जी की जो फोटो थी वो भी अंदर कर लिया है और पूजा कर ली है शाम की। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करना चाहूँगी। आई होप आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। फिर मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और एक बार आप सबको शुभ महालया।